हाय, दिस इज़ अगम प्रवेश। और आज नया साल का पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बधाई देना चाहता हूँ कि नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी के लिए। बहुत ही सक्सेस का ईयर हो। तो आज के इस ऐसे टाइम पे मैं भी सोच रहा था कि आज एक आकर के एक ब्लेसिंग लूँ, तो मैं निकलने वाला हूँ एक लॉन्ग ड्राइव पे। और ये मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर राजगुरु नगर होकर के, जो कि हमारा ट्रिप होने वाला है। ये वन साइड 150 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। मैं टैंक टू टैंक माइलेज भी टेस्ट करूँगा। ये रोड बहुत ही अच्छा नहीं है, बट इट्स एवरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ऑडोमीटर रीडिंग, किलोमीटर रीडिंग। किलोमीटर रीडिंग अभी देखिए कितना है, 569 किलोमीटर अभी है मेरे गाड़ी का रनिंग। और इसके बाद मैं टैंक फुल कराता हूँ। नमस्कार, फुल टैंक ऑटो कट पे, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं। और इस पर ध्यान रखिएगा कि हाँ स्क्रैच ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब मैंने ऑटो कट पे लगा दिया है। और सो जैसे आप देख सकते हैं, अभी हमारा मैप स्टार्ट, ड्राइव स्टार्ट हो चुका है। तो कार के अंदर मैंने ट्रिप प्लान कर लिया था, ये ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से ये रूट को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसका टैंक फुल करते हैं। कितना इसके अंदर डीजल जाता है वो भी पता चल जाएगा आज। लीटर शायद। अब ये बंद हो चुका है, एंड लेट मी सी कितना ये आया है। 51 लीटर इसमें गया है क्या, मतलब 9 लीटर पहले से था मेरे कार में। सो गाइस, इस तरह से हमने टायर में भी हवा सब प्रॉपर चेक करवा लिया है, सारे बैलेंस्ड है, टैंक फुल करवा लिया है। सो आप देख सकते हैं अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, और ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है, तो क्रूज कंट्रोल पे मैं अभी चला नहीं पाऊँगा। जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे चला पाऊँगा, और इसी गति से ये ऑलमोस्ट चलेगा, तो माइलेज तो ऑब्वियसली कम आएगा। जैसा मैंने लास्ट वाले ट्रिप में देखा था, उससे कम ही आने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं। अभी तो हमारी ड्राइव स्टार्ट हुई है, और अभी लंबा जाना है। आज क्या 1 जनवरी का टाइम है, तो काफ़ी लोग सब लोग घूमने जाते हैं मोस्टली। सो इसी स्पीड से हमें आगे चलना पड़ेगा। तो अभी 55 का स्पीड में हमारी कार चल रही है, तो वही 50-60 के स्पीड तक ये चलेगी। वैसे भी मुझे 80 से क्रॉस तो नहीं होना है, देखता हूँ अगर मैं क्रूज कंट्रोल ऑन कर पाऊँ तो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। स्टैंड बाय, और ये लगा दिया, क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया है, बट ये ब्रेक लग गई, और थोड़ा इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा। ओके, और इसको मैं अब ओवरराइड ही कर लेता हूँ, मैनुअली चलाता हूँ, मतलब एक्सेलेरेटर। ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसमें क्रूज कंट्रोल में थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेफ्टी लेकर के चलता है, डिस्टेंस गैप बहुत ज़्यादा बनाता है, तो उसके वजह से पीछे वाले जो गाड़ी है उसको अनवाई महसूस होता है कि ये नया चालक है टाइप। बट ये ऑटोमेटिक सिस्टम का वो ये रहता है सेफ जर्नी के हिसाब से। तो चलिए इसी ट्रैफिक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना ये माइलेज निकलता है। सो गाइस, हम लोग अभी पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं। ये पूरा भीमा नदी के बगल में पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पे अभी हम लोग हैं, और ये थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल स्टीप है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और अभी थोड़े रास्ते तय कर लिए हैं, अभी और आगे जाकर क्या है। मुझे परफॉर्मेंस वाइज ऐसा कुछ नहीं ऐसा लग रहा है कि ये मेन हाईवे तो नहीं है, ये स्टेट हाईवे है बेसिकली। और एक चीज़ मैंने देखा कि इसमें हिल डिसेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये अभी देखिए थोड़ा सा स्टीप है चढ़ाई, ये देखिए आगे कोई एफर्ट नहीं महसूस होता, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन रोड पर चलते हैं।
अभी अभी देखिए और ऊंचाई पे अभी जाने वाले हैं, और स्टीप है। मजे से ऐसे भी चल रहा है। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं, एक जगह पे थोड़ा सा रुके हैं पानी वानी पीने के लिए, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। रोड तो बहुत ख़राब था, लेकिन ऐसे रोड में भी टेस्टिंग होना चाहिए। और जैसा आप देख सकते हैं, गाड़ी का डस्ट बैठा हुआ है पूरा, बट वही है कि कोटिंग कराया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर चिपक नहीं रहा है। और रोड वन वे ही है, मतलब एक ही लेन का रोड है, उसमें आना भी जाना भी दोनों तरफ के ट्रैफिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भीमा शंकर की ओर। तो अभी देखिए जंगल के थ्रू हम लोग गुजर रहे हैं, और यहाँ पे ये है ट्रैफिक, अंदर जाम है जंगल के अंदर भी। ये गाड़ी देख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से ट्रैफिक से निकलेंगे। एक्सयूवी 700 का ऐसा ये है, कोई भी आदमी एक बार देखता जरूर है भाई, हर गाड़ी वाला देखता है। क्या पार्किंग का जगह है, पूरा उछल रहा है मंकी और ऊपर 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 से गाड़ी पे उछल रहा है। दिख गया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कलर की कार, पहले सेंटर में ये कलर आता था या अलग से ये कलर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक ये खुलने के, अपनी गाड़ी तो फंस जाएगी ऊपर भाई, ये फंस जाएगी। यह देखिए, नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। नहीं, क्या कर क्या है ये, कहाँ जाना है और कहाँ जाएगा ये। सब गाड़ी घूम रहा है, वो उल्टा फिर क्या के लिए लगा हुआ था। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं भीमा शंकर, और अभी अपन अंदर चलेंगे और दर्शन करके आएंगे। आगे पार्किंग है, और पार्किंग स्पेस अच्छा बड़ा है, स्पेसियस है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक दिन लोग के कारण लोग बाहर ही खड़े कर दिए थे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा थी। सिंगल वन वे रोड है, अंदर लाते थे पार्क का। एक एंट्रेंस गेट है, ये गेट पे ये सब अपना फूल पत्ते वगैरह मिल जाते हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया, बट भीड़ थोड़ा सा अभी कमी है इवनिंग होने के कारण। चलते हैं। अच्छा, ये लाइन लगी है, इस तरह की लाइन लगी है। ये देखिए लाइन लगे पूरे, ये लाइन इसी की है, इसी लाइन से जाना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को उस लाइन से जाना पड़ेगा। अभी नीचे से देख के आता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग भीमा शंकर में है। काफी लंबी लाइन है।
लंबी लाइन है, यहाँ तक आ सकते हैं। गाइज हम लोग भीमा शंकर से वापस आ चुके हैं, तो चलते हैं फिर से एक बार टैंक फुल कराते हैं, तब हमें पता चलेगा फ्यूल बर्न हुआ इस टोटल ट्रिप में। ऑल्दो ये जो ट्रिप थी हमारी, ये ट्रिप 3 घंटे का था वन साइड में, टोटल मिलाकर के 6 घंटे का आना जाना, प्लस में जो भी वहाँ पे टाइम स्पेंड कर। बट हमें जाने में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उसके वजह से हमें 3 की जगह 6 घंटे लगे हैं। आप समझ सकते हैं 1 जनवरी का ट्रैफिक इस हिसाब से होता है। चला फिर उसके बाद रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, थकान के साथ साथ इतना रस है, हॉन्किंग है, पीछे से हॉर्न बजते हैं, लोग परेशान होते हैं, उसके वजह से और इरिटेशन बढ़ता है। तो इसलिए एसी भी चला करके रखा था, इंजन चालू था, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं कि ऐसे ट्रैफिक कंडीशन में, जो इतना हैवी ट्रैफिक कंडीशन में, मतलब ये सिटी ट्रैफिक कंडीशन से भी ऊपर आप बोल सकते हैं, उतने में कितना माइलेज मिलता है ये एक आइडिया मिलेगा। आज माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ इसका, तो टैंक फुल कर दीजिए। सेम पेट्रोल पंप पे मैं आया हूँ अभी, हाँ कर दीजिए ऑटो कट पे लगा के, और जियो एक बार देख लेता हूँ। यस यस डीजल फुल ऑटो कट। यस यस कल मैं भीमा शंकर लेके गया था, तो फुल करा के उससे पता चलेगा मुझे कि कितना माइलेज मिला है। अभी नई कार है ना, इसके टाटा की है? नहीं नहीं महिंद्रा की, ये ऑटो कट हो गया, ऑटो कट हो चुका है, तेल सप्लाई बंद। एंड इधर रीडिंग दिखाता हूँ एक मिनट, हाँ ये 70 लीटर लगे ना, 70 लीटर 30 पॉइंट ठीक है। प्राइस तो कल की जो थी, हाँ बंद कर दीजिए, प्राइस की तो जो कल की थी वही आज भी ना, ठीक। तो आप इसमें आप देख सकते हैं मेरी ऑडोमीटर रीडिंग, तो ये 810 किलोमीटर अभी हमारी रीडिंग हो चुकी है, और अभी मैं दोबारा से मैंने रिफ्यूल किया। भीमा शंकर से वापस आने के बाद रिफ्यूल करवाया, और करवाने के बाद मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, ये रोड बहुत ही ख़राब था, तो आई मीन एक्सट्रीमली हैवी ट्रैफिक था, तो जो 3 घंटे का 2.5 घंटे का हमारा जर्नी था, आते टाइम पे भी 2.5 घंटे ही लगे, बट जाने में टोटल 6 घंटे लगे। मैं 12 बजे से स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और वहाँ पे 6:15 के आसपास में पहुँच पाया था, और इंजन कंटिन्यूसली चालू था।
रुकी और उसके बाद 20 मिनट तक रुकी रही और वेट करते रहे कि जगह खाली मिलेगी। एक ही लाइन है तो एक भी गाड़ी इधर से चली गई तो वो फंस जाएगी, जाम हो जाती थी। तो इस तरह की ट्रैफिक थी एक्सट्रीमली, ऐसा सिटी के अंदर भी नहीं होता है, सिटी ड्राइविंग से भी ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन ख़राब था। और इस हिसाब से मैंने जो अभी देखा है इसमें हमारा इनिशियल ऑडोमीटर का रीडिंग जो था मैंने दिखाया है 569 किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया था और अभी लास्ट जो अभी किलोमीटर का रीडिंग है वो 810 किलोमीटर का है। तो टोटल मैं देख पा रहा हूँ 241 किलोमीटर मैं चला हूँ और 17 लीटर का मेरा डीजल जला है इसके अंदर, जो मैंने अभी टैंक टू टैंक कंपेरिजन किया है। तो इसके हिसाब से अगर मैं माइलेज देखूँ तो 14.17 का माइलेज मुझे ये दिख रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक एक्सट्रीम कंडीशन में भी इतना माइलेज दे रहा है 2200 सीसी का कार, सो विच इज़ अप्रिशिएबल मेरे हिसाब से। हाईवे पे ऑलरेडी मेरा अच्छा रूट था तो मुझे 22 point something का माइलेज आया था, 22.7 का आया था। तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में वो दिखाया था, मैंने टैंक टू टैंक नहीं किया था उस टाइम पे। तो टैंक टू टैंक मैं फिर से एक एक्सप्रेसवे पे करूँगा इस बार एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में। ये रोड बहुत ही ख़राब थी, बहुत हेवी कंजेशन था और 1 January का टाइम था, सभी लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, मैं भी गया था, स्पेस नहीं थी इस गाड़ी के जाने के लायक, बट मैं किसी तरह से लेकर के गया। ओके, तो मैं आपको फुटेज सीसीटीवी के सारे ऐड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कितना ऑथेंटिक मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो मेरे हिसाब से 14.17 का जो मुझे माइलेज मिला है, 14.25 का जो ऑलमोस्ट पकड़िए ये जो माइलेज मिला है एक्सट्रीम हैवी ट्रैफिक में, ये बुरा नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फाउंड। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।